धार्मिक और पर्यटन स्थलों को स्वच्छ रखने के लिए पर्यटन मंत्रालय के तत्वाधान में जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। यहाँ विभिन्न धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान के लिए की गई व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। विनय सिंहवाल ने कहा कि तीर्थाटन आज पर्यटन को हो गया है, जिसमें तीर्थ धामों में स्वच्छता के साथ धार्मिक मान्यताओं और उनके प्रति संवेदनशीलता को दरकिनार किया जा रहा है, जिसका खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ रहा है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार क्रांति भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड देवों की तपोभूमि रही है, सैकड़ों नदियों का उद्गम स्थल है और प्राकृतिक संपदा का अपार भंडार से परिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही सुखमय जीवन की जननी है, समस्त जनमानस को स्वच्छता के लिए जागरूक होना होगा। वहीं कार्यक्रम के आयोजक पवन गुप्ता ने कहा कि जनपद चमोली में लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु हर वर्ष पहुंचते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को यथावत बनाए रखने के लिए खुद से इसकी स्वच्छता के लिए प्रतिबद्धता होना होगा। चमोली से संदीप सिंह की रिपोर्ट। जो है स्वच्छता एक्शन प्लान है, जो कि भारत सरकार का स्वच्छ भारत मिशन के तहत पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार कराती है और इसकी जिम्मेदारी हमारे संस्थान जो कि IITTM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, इसको दिया गया है। इसके माध्यम से हम पूरे भारत में सारे के सारे 36 प्रदेश और यूनियन टेरेटरीज को कवर कर चुके हैं और पिछले 5 साल में हमने करीब करीब 15 लाख लोगों से डायरेक्ट संपर्क किया है स्वच्छता के अभियान को। मेन थीम हमारे कार्यक्रम की होती है स्वच्छ भारत स्वच्छ पर्यटन, यही थीम लेके हम देवभूमि उत्तराखंड में भी आज आए हुए हैं।